हेलो प्रशांत जी जी, शैलेंद्र दीक्षित जी, प्रणाम प्रणाम। मतगणना के पहले हम लोगों ने बात की थी चुनाव के असेसमेंट पे आपके, ठीक जी, ना जी। तो पहले तो आप हमको ये बताइए कि आपका असेसमेंट कितना सही रहा। मेरा असेसमेंट आंशिक तौर पर सही रहा। अच्छा। और कुछ गलतियां भी हुई। अच्छा अच्छा। एक्चुअली मैंने यहाँ 7-2 की बात कही थी, जैसा कि सर को याद होगा कि 7 सीटें, इसीलिए मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, आप ही से मैंने कहलवाया जी जी। 7-2 की, तो एक सीट तो मात्र 12 वोटों के अंतर से हार जीत हुई जी जी। हाँ, हिलसा में जी, तो वो बिहार की सबसे छोटी जीत कही जाएगी या छोटी हार कही जाएगी। हाँ, सबसे छोटी हार और जीत। तो इस तरीके से मैं अपनी आंशिक असेसमेंट जो है आंशिक तौर पर मैं स्वीकार करता हूँ कि गलत हुई, लेकिन इस्लामपुर पे मैंने सर को पहले भी कहा था कि इस्लामपुर में निश्चित NDA हारेगी और वैसा हुआ भी। अच्छा। टोटल चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं अपने जिले में? टोटल चुनाव को हम देखते हैं, लोग लोजपा को असेस किया जा रहा है कि लोजपा ने जदयू को हर जगह नुकसान पहुंचाया, जदयू को हराने का कारक बनी, लेकिन मेरा विचार जस्ट इसके पलट है जी। लोजपा ही जदयू को जिताने का कारक बनी और महागठबंधन के नुकसान का सबब बनी। हमारे जिले में तो कम से कम यही दिख रहा है, क्योंकि इस्लामपुर सीट जो लूज की जदयू ने, लोजपा बड़ा फैक्टर होके भले उभरी, लेकिन इस्लामपुर सीट जो जदयू ने लूज की है उसमें स्पष्ट तौर पर रालोसपा प्रत्याशी के द्वारा जो मत वहां पे भरत मुखिया खड़े थे, उन्होंने जितना मत लिया वही मत हारने का कारण बने, और रालोसपा ने उन्हीं मतों को लिया जो बेस वोटर थे जदयू के। और नहीं, जो आप कह रहे हैं लोजपा और रासलोपा रालोसपा, जो इसने मतलब महागठबंधन का खेल बिगाड़ा, नहीं रालोसपा ने बिगाड़ा जदयू का खेल, एकमात्र सीट पर जो हार हुई रालोसपा के चलते हुई, मेरा ये मानना है। रालोसपा ने जदयू का खेल बिगाड़ा और लोजपा ने महागठबंधन का, नहीं फिर से बोलिए, हम कंफ्यूज हुए। लोजपा ने किसका नुकसान किया? महागठबंधन का नुकसान किया, जहां राजद कैंडिडेट्स थे वहां उनको नुकसान पहुंचाया लोजपा कैंडिडेट ने, और एकमात्र सीट जो लूज की जदयू ने वहां पर रालोसपा फैक्टर रही जदयू के हार की। इसको इस तरीके से समझा जाना चाहिए कि लोजपा ने जो भी वोट कलेक्ट किए उसमें दो फैक्टर रहे, एक तो रामविलास पासवान जी के निधन के बाद एक जाति विशेष में उपजी हुई संवेदना का लाभ, और दूसरा जो ये काफी मुखर थे चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ, उतने मुखर तेजस्वी भी नहीं थे, ये तो जेल भेजने तक की बात और तमाम चीजें कह गए। तो जो एकदम नीतीश जी के बिल्कुल ही खिलाफ थे जो वोटर, जो नाराज थे, भले वो उनके साथ पिछले चुनाव में रहे हों, पिछले के पिछले चुनाव में रहे हों, लेकिन किन्हीं कारणों से, उन कारणों की व्याख्या में नहीं जाना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से जो बहुत ज्यादा नाराज थे नीतीश जी से, वो वोटर उन वोटरों को आकर्षित करने में कामयाब रही लोजपा। और वो वोटर इसको एक विकल्प के तौर पर देखे, वो इसको RJD को या कांग्रेस को वोट नहीं देके इनको विकल्प के तौर पर खड़ा करने की सोचे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से बोल रहे थे। अच्छा, उसका वो मिल रहा था जी जी जी। तो अगर ये ऑप्शन नहीं होता, लोजपा का ऑप्शन नहीं होता, तो हो सकता था कि नीतीश विरोध की जो आँच है उसका लाभ RJD को और कांग्रेस को मिलता, महागठबंधन को मिलता, या वो वोटर ज्यादा से ज्यादा ये होता कि नहीं देता राजद को, लेकिन जदयू को भी नहीं देता, घर बैठा रह जाता जी जी जी। मेरा ये आकलन है। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्थावा में क्या इक्वेशन चला? वहां पे जितेंद्र कुमार ने
एनडीए प्रत्याशी थे, उन्होंने अनिल कुमार को 11,000 वोटों से, 11,600 वोटों से। बस बस वही सर, सर जो अभी मैं कह रहा था कि लोजपा फैक्टर बनी, तो स्पष्ट तौर पर लोजपा ही महागठबंधन के हार का कारण बनी। वहां पर करीब करीब 18-19 हजार वोट लोजपा कैंडिडेट ने ले लिए और हार मात्र 11,000 से हुई। सीधा सीधा गणित है सर। हाँ, तो मतलब ये महागठबंधन का नुकसान इन्होंने, महागठबंधन का नुकसान हुआ वहाँ पर। और वहाँ भी आपको हिलसा में भी देखें तो हिलसा में अच्छे खासे वोट, 17,000 वोट लोजपा ने लिए, तो वो भी विरोधी वोट थे जी, सरकार विरोधी वोट थे, मात्र 12 वोट से हारना पड़ गया शक्ति सिंह यादव को। जी जी। अच्छा, बिहार शरीफ में क्या हुआ? हाँ, बिहार शरीफ में जो जितने निर्दलीय, जो फैक्टर पिछली बार था, सेम फैक्टर इस बार डॉक्टर सुनील की जीत का रहा। पिछली बार भी आफरीन सुल्ताना, जो पूर्व विधायक की पत्नी है पप्पू खान की, आफरीन सुल्ताना खड़ी हुई थी और यहाँ पे हार जीत 15,102 वोटों से हुई। हाँ जी, 15,102 वोटों से सुनील कुमार जी उनसे जीते हैं जी, 15,102 वोटों से। हाँ, और पिछली बार ये था 3,000 के लगभग में हार जीत का अंतर था। अच्छा, तो पिछली बार भी आफरीन सुल्ताना ने, दिलचस्प ये लग रहा है कि सुनील कुमार, एक डॉक्टर सुनील कुमार थे, एक सुनील कुमार थे, दोनों एक ही नाम के थे, है ना मुख्यपाल जी जी। ये दिलचस्प, इससे कंफ्यूजन नहीं हुआ वोटर को? कुछ हुआ होगा लेकिन खास नहीं, क्योंकि निशान लोगों के जहन में बैठा रहता है, कमर और लालटेन जो है वो बहुत अंदर तक वो गया हुआ, कोई नए दल तो है नहीं है। ठीक। हाँ, तो क्या हुआ यहाँ? यहाँ पर पिछली बार आफरीन सुल्ताना ही जीत का फैक्टर बनी थी भाजपा के, जब भाजपा जदयू से अलग होके लड़ी थी, तो आफरीन सुल्ताना निर्दलीय खड़ी हुई थी और उन्होंने 12,600 वोट बटोर लिए थे अपने मुस्लिम समुदाय के, और वही माय समीकरण तड़का था और जदयू उस समय राजद के साथ थी और जदयू प्रत्याशी हार गए थे। इस बार भी सेम वही चीजें हुई। अच्छा, इस बार 15,000-16,000 वोट आफरीन सुल्ताना ने काटे और एक और चार मुस्लिम कैंडिडेट इस बार खड़े हो गए, जो कुल मिलाकर 21,000 वोट का आकलन रहा इन लोगों का। इन लोगों ने बटोर लिए, माय समीकरण दरक गया, सुनील की हार हो गई। मात्र यही इक्वेशन काम किया। अच्छा अच्छा, पहले बड़े संगठित लग रहे थे, जो यह इनका बेसिक ये है माय समीकरण, बड़ा संगठित लग रहा था और उसी हिसाब से हमने आकलन भी किया था कि इस बार मुस्लिम वोट्स का डिवीजन कायदे का हो गया। हाँ, कायदे का हो गया और वही हार की वजह। अच्छा, फिर हरनौत में हरनारायण सिंह जी ने इनको हराया है, ममता देवी को जी, बहुत बड़ी जीत है 27,241 वोटों से। हाँ, सबसे बड़ी जीत है सर, जिले में, जिले की सबसे बड़ी जीत है। हाँ, तो यहाँ पे तो लगता है एक तरफा ही रहा है। हाँ, एकदम एक तरफा रहा, इतना ज्यादा पे महागठबंधन 3 नंबर पे चला गया, वो जाना ही था। पिछले बार जो आपसे बातचीत हुई थी, मैंने ये आशंका जाहिर भी की थी कि हरनौत में बाहरी कैंडिडेट हैं और नालंदा में बाहरी कैंडिडेट दिया है कांग्रेस ने, हो सकता है कि इनका प्रदर्शन बेहद खराब रहे। हरनौत में तो स्थिति ये हो गई कि अगर आप कांग्रेस को मिले हुए वोट को जोड़ दें और ममता देवी को मिले हुए वोट को जोड़ दें, कि तभी भी इतना आंकड़ा नहीं होता है कि वो हरिनारायण सिंह को मिले हुए वोट के बराबर पहुंच पाए। अच्छा, अच्छा। बड़ा फासला था और वहां पर एकमात्र फैक्टर तो खैर पूरे राज्य में नीतीश फैक्टर एक है ही, जिले में भी है, लेकिन हरनौत में पिछली बार भी मैंने कहा था कि हरनौत में कुछ ज्यादा प्राइड फैक्टर है कि मुख्यमंत्री हमारे घर के हैं, गांव के हैं, प्रखंड के। स्वाभाविक भी है वो, अस्वाभाविक भी है, बेहद स्वाभाविक है। तो हर जाति हर संप्रदाय का वोट जम के पड़ा हरिनारायण बाबू को और हरिनारायण सिंह ने इसको अंडर करेंट ये भी प्रचारित किया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, क्योंकि आज काफी वृद्ध हो चुके हैं, वो 80 साल के लगभग में हो चुके हैं, तो इस बार जनता ने उनको खुल के मन से वोट दिया। अच्छा अच्छा। फिर हिलसा में ये कृष्ण मुरारी जी ने
कृष्णधारी शरण जदयू के, इन्होंने आरजेडी के अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह को हराया है जी। शक्ति सिंह बड़े 12 वोट 12 वोट से, इसमें बड़ा विवाद भी हुआ और ये कह रहे हैं कि जो रद्द किया गया बैलेट वाला बड़ी की गई है शासन की ओर से। अच्छा, बैलेट मत पत्रों में तो काफी देर तक व्यवधान भी रहा और इसमें आश्चर्यजनक बात ये भी है, हम लोगों को पढ़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये उनका मामला है चुनाव आयोग का जी, जी जी, तो हम लोगों से इससे कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है ना जी। हाँ, फिर आती है आपके यहाँ पे इस्लामपुर। इल्जाम बड़ा हुआ सर ये कि शक्ति सिंह यादव जैसे मजे मजाए खिलाड़ी और पहली बार वो प्रेम मुखिया हैं, नाम उनका ऐसे ज्यादा लोग प्रेम मुखिया ही जानते हैं, जो पहली बार खड़े हुए 65 साल की उम्र में पहली बार नीतीश जी ने उनको टिकट दिया, क्योंकि समता पार्टी के जमाने से वो लगे हुए थे तो कार्यकर्ता होने का, समर्पित कार्यकर्ता होने का उनको बहुत पुराने कार्यकर्ता, हाँ, पारितोषिक मिला और पहली बार चुनाव लड़े और किसी तरह 12 वोट से जीतने में वो सफल रहे और यहाँ भी लोजपा फैक्टर ही रही महागठबंधन के हार की वजह। इस्लामपुर में पिछली चर्चा रोशन ने राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जिन्होंने हराया है चंद्रसेन प्रसाद को, जनता दल यू के हैं सिटिंग विधायक, हाँ, 3698 वोट से जी। तो यहाँ क्या क्वेश्चन हुआ, यहाँ पिछली बार बातचीत में भी मैंने कहा था कि वहाँ वो कम्युनिस्टों की जमीन रही है और इस बार आरजेडी का साथ मिला है तो कम्युनिस्ट बेहद संगठित हुए हैं और बीच के दिनों में जो समाजवादी दलों में कम्युनिस्ट वोटरों का बंटवारा हो गया था, उनके कैडर वोटों का, वो इस बार संग्रहित हो गया, संगठित हो गया और यही वजह रही। और दूसरा सबसे प्रबल फैक्टर रहा, रालोसपा ने वहां पे 5000 से 6000 के बीच में 5-5500 वोट भरत मुखिया ने काट लिए। रालोसपा जो बेस वोटर है, आधार वोटर जो माने जाते हैं जदयू के, उन्हीं लोगों का वोट वो काट सकी, स्पष्ट है, क्योंकि बूथों, जिन बूथों से उनको मत मिले हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि वो बेस वोटरों में उसने सेंधमारी कर ली। वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की एक जनसभा भी हुई थी और मैसेज भी उस समय थ्रो इन्होंने किया था कि इसको हराना है, हमारा उद्देश्य जीतना नहीं तो कम से कम जदयू को हराना है। अच्छा, जो मैसेज ये देते चल रहे थे चिराग, लेकिन चिराग वैसा कर नहीं सके, मैसेज भले दिए लेकिन वैसा हुआ नहीं। अच्छा, यहाँ पे नालंदा में श्रवण कुमार जी जीते हैं जनता दल यूनाइटेड के, 16077 वोट से जीते। जी जी, 16077, सॉरी, हाँ 16077। हाँ, इन्होंने हराया है कौशलेंद्र कुमार को जी, निर्दलीय। हाँ, तो श्रवण कुमार जी तो पुराने आदमी हैं जी जी जी। हाँ, यहाँ पे क्या चला, यहाँ पर वोटों का जमकर बंटवारा हुआ, इतने वोट बटे और यही स्ट्रेटजी पे श्रवण जी चल भी रहे थे। इन्होंने बहुत ज्यादा अपने क्षेत्र में इस बार इसलिए भी प्रचार प्रसार पर ध्यान नहीं दिया, इनको मालूम था कि जिनको मुझे नहीं देना है वो नहीं ही देंगे और जिनको मुझे देना है वो देंगे ही देंगे, तो ये अपने वोटरों के प्रति बड़े इत्मीनान थे और बहुत कम, उतना सघन जनसंपर्क नहीं चलाया इन्होंने जितना पूर्व के चुनाव में चलाते रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, जबकि इनके प्रतिद्वंदी बहुत हावी रहे। तो चूंकि मजे मजाए तपे तपाए खिलाड़ी हैं, 7-8 बार से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी, जी, जी। तो इन्होंने छोड़ दिया एक तरफ से। अच्छा। और वही उसका लाभ भी मिला इनको, एक्चुअली यहाँ पर लोजपा ने भी कैंडिडेट दिया था, कांग्रेस ने भी दिया था और एक मजबूत इनके जो विरोधी हैं वो निर्दलीय हैसियत में एक कोई किसी दल से खड़े भी हुए थे, कोई दल है वो नाम याद नहीं आ रहा, वो एक सिंगल ये कैंडिडेट थे उस दल के। और पिछली बार भाजपा के टिकट पे ये कौशलेंद्र लड़े थे तो 3000 वोट से मात्र हारे थे और बड़ी परेशानी हुई थी इनको। तो इस बार इन्होंने मुझे लगता है कि जिस तरीके के ये तपे तपाए खिलाड़ी हैं श्रवण जी, तो इन्हीं का सब ताना बाना बुना हुआ था कि कैंडिडेट ज्यादा बढ़वा लो या बढ़ाने को प्रेरित कर लो दूसरे दलों को, कि सब श्रवण जी को हराने ही आ जाएं और उस बीच में हम चुपके से निकाल लें बढ़िया, और उसमें ये बेहद कामयाब रहे, बड़े आराम से बढ़िया रहे। अच्छा, राजगीर में कौशल किशोर जीते हैं जनता दल यू के, जिन्होंने
रवि ज्योति कुमार को हराया है कांग्रेस से 16,048 वोट से। जी जी है ना। यहाँ पे क्या चला? यहाँ पर बस ये सत्यदेव नारायण आर्य के पुत्र हैं, 8 बार विधायक रहे और पिछली बार हरा देने का कुछ लोगों को टीस भी रही थी, तो इनको जमकर वोट दे दिया। लोजपा यहाँ पर 3-4 हजार वोट में सिमट गई और ठीक ठाक मार्जिन से ये जीत गए। और नीतीश जी का आह्वान, अगर हिंसा को छोड़ दिया जाए जी तो सारी जगह पे ठीक ठाक वोट से। हाँ ठीक ठाक वोट, हाँ ठीक ठाक वोट से जीत हार हुई है। जी 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 ठीक ठाक। तो इस तरीके से अब नई सरकार से हम लोग अपेक्षा करें, जनता पे मतदाता अपेक्षा करें कि अब उनका सब काम होगा। बिल्कुल, यहाँ खासकर से नालंदा के लोगों की अपेक्षा नई सरकार से यही है कि नीतीश जी ने जैसा भाषणों में कहा भी कि हर खेत तक पानी देंगे, युवाओं के रोजगार की फिक्र करेंगे और पशु चिकित्सालय की बात कही थी। बात तो बड़ी छोटी सी थी, इसको किसी मीडिया हाउस ने इसको उस तरीके से लिया भी नहीं, लेकिन ये पशु चिकित्सालय हर पंचायत में उसका एक खोलने का जो इन्होंने आश्वासन दिया था उसने बड़े मतदाता वर्ग को संबोधित किया और पेनेट्रेट किया कि क्योंकि पशु हर कोई पालता है गांव में। नहीं नहीं, वो तो बड़ी समस्या भी है कि पशु बीमार होता है या आजकल वो जो इंजेक्शन का चल चला है दौर, तो अगर उसमें तो ये तो बड़ी बात है। बड़ी बात उन्होंने, चलिए मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक तो पहले ही राउंड में किया था नीतीश जी ने, अब ये माना जाना चाहिए कि पशुओं की भी फिक्र करेंगे। हाँ हाँ, कि इस बार और अच्छा होगा और प्रदेश का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपने इतना टाइम दिया। ठीक है जी जी, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।